हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेल रहे हैं GTA 5 और इसमें करेंगे हम ज्वेलरी शॉप की हाइस्ट। हमें ज्वेलरी शॉप लूटना है। सारी फजूल बातें मैंने स्किप कर दी। सेलेक्ट मैंने किया स्मार्ट मोड क्योंकि लाउड मोड में रिस्क होगा और पहली बार मिशन कर रहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था करना क्या, तो मैंने थोड़ा स्मार्ट मोड क्योंकि इससे इस मिशन से पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट की। इसका एक ट्रक लाना पड़ा था, एक मतलब वैन टाइप इनकी, और बाकी कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करना था, वो सब किया। वो मिशन की मेन प्रिपरेशन थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो मैंने जाने दिया क्योंकि फालतू में ज़्यादा डिटेलिंग हो जाता। इसमें मैंने ड्राइवर नॉर्मल लिया, हम अकेले काफ़ी ज़रूरत ही नहीं हमें किसी। गनमैन भी हमने लो लेवल का लिया क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तबाही तो मचानी नहीं है। हैकर हाई लेवल का लिया क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम चाहिए बैंक उसके अंदर, ज्वेलरी शॉप के अंदर, ताकि मैक्सिमम बिल्कुल सही तरह हम रॉबरी कर सकें, कोई हमें मुश्किलात ना पेश आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों को भी शेयर करके बताएं, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। शुरू करते हैं। अब हम जाएंगे फ्रैंकलिन के साथ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी स्टार्ट किया हमने, बहुत अच्छी स्टार्टिंग हुई हमारी। ये जो वैंती है हम पहले से लेकर आ चुके थे इधर, क्योंकि मिशन की प्रिपरेशन के लिए पहले से लेना ज़रूरी थी, उसी वक्त नहीं। अब हम जाएंगे ज्वेलरी स्टोर की जानिब। मेरा इरादा आगे भी इसी तरह की वीडियोस वगैरह आती रहें। मैं चाह रहा हूँ जो कि सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह आगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि स्टोरी मोड भी बहुत बड़ा है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में भी अच्छा खासा मैं वर्क कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह और गाड़ियाँ बनाऊँ ताकि वो दिखाने के लिए कुछ अच्छा लगे। और बाकी रोल प्ले भी मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है। रोल प्ले में सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी कमांड्स वगैरह वो चीज़ें बहुत डिटेलिंग है, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या देखना चाहते हैं। करने को मॉड्स भी लगा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं और अलग जगहें हैं जो GTA के अंदर, तो जो देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। और मेरा इंस्टा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, वहाँ पर भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा। तो अब हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं ज्वेलरी स्टोर की जानिब। अगली वीडियो, अगला भी इंशाल्लाह जो होगा वो मैं किसी ना किसी स्टोरी मोड के मिशन पर ही रखूँगा, और उसके बाद जो अगला सोचेंगे वो ऑनलाइन या हम लोग रोल प्ले में देखेंगे। अब हम शिफ्ट करेंगे फ्रैंकलिन पर, और ये जो जगह है यहाँ पर मैं कल आ चुका हूँ, और कल आके मैंने यहाँ की पूरी जगह की फ़ोटोज़ ली थी, लेस्टर को भेजी थी, और लेस्टर ने बताया था कि इसमें क्या क्या करना है, कौन सी जगहें। तो अब जाके हम वो जगह देखेंगे जो हमने कल देखी थी। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था क्योंकि पहली बार, मतलब ये GTA 5 वैसे भी मैंने नहीं खेली कभी नॉर्मल, अभी रिसेंट में डाउनलोड की थी, और उसके बाद रिकॉर्ड की तो मुझसे खेली नहीं जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा मसले हो रहे थे, इतनी ज़्यादा महारत नहीं रखता मैं इस चीज़ में, ज़्यादातर PUBG वगैरह में ही इंटरेस्टेड। अब हम यहाँ से जाएंगे, हमने यहाँ पे कल ये आपको, हाँ ये जो जगह है ये उस ज्वेलरी स्टोर का वेंटिलेशन है, यहाँ से इनका क्या बोलते हैं AC वगैरह भी यहीं से कंट्रोल होता है सारा, असल मेन जो ज्वेलरी स्टोर का वो है। तो हमने ये यहाँ की कल फ़ोटो ली थी, और लेस्टर ने हमें बताया कि हमें है ना इसके अंदर वो जहरीली गैस, हमने जिसके कपड़े पहने बग स्टार्स के, जहरीली गैस अंदर डालनी होगी जिससे लोग बेहोश हो जाएंगे, और उस बेहोश करने से उनको अंदर मौका मिल जाएगा, वो माइकल जाके अंदर चोरी कर ले। तो ये निशाना लिया, और ये एक दो और ये तीन, पता चल गया। अब हम शिफ्ट करेंगे माइकल पे, और अब हमने स्टार्ट करनी है अपनी रॉबी। मैंने वो स्किप कर दिया सारा फजूल पार्ट, बातें वगैरह फजूल चीज़ें, ये सब ज़रूरी नहीं था दिखाना। अब हम चोरी करेंगे सारी की सारी, सब कुछ उठाना है हमने। मैप पे आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन पॉइंट्स छोटे छोटे, ये सारी वो हम लोग को जो कलेक्टेबल्स हैं, ये भी ले लिया जल्दी। राइट पे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा है टेक, और उसके साथ जो अमाउंट है
अमाउंट है मुझे उतनी अमाउंट का जो ये सोना वगैरह है वो इस मैं जो कमा रहा हूँ जितना ज़्यादा चुराता जा रहा हूँ ये बढ़ता जा रहा है और ये उसकी वैल्यू बता रहा है कि मैंने अब तक कितना ज़्यादा चुरा लिया। थोड़ा सा ही रहते हैं, हमारे साथ जो बंदा है वो भी अच्छा खासा लूट चुका है। आगे के सिर्फ 3 स्पॉट रहते हैं, उसमें से भी इसने आई थिंक सो एक उठा लिया होगा। ओके, और इसके बराबर वाला, और हमने इसकी लूट कंप्लीट कर ली है। अब हम लूट चुके हैं पूरा ज्वेलरी स्टोर, और यहाँ पे फ्रैंकलिन को एक गार्ड आके होशियारियाँ करा रहा है कि भाई यहाँ से निकलो। माइकल तो अपना सेवेज है, मतलब ऐसे कैसे निकलो बेटे, ठीक ठाक बेइज्जती कर दी बेचारे की, कोई इज्जत ही नहीं। अब हमने जो ड्राइवर रखा था वो हमें रास्ता बताएगा वही टनल में हमें किस तरफ जाना है, हम उसी के पीछे पीछे जाएंगे। अब रवा दवा उसी के पीछे पीछे लेट्स सी। और पुलिस भी आ चुकी है, पुलिस से सबको पता है GTA 5 में पुलिस की कोई वैल्यू नहीं, बेचारे बहुत ज़्यादा जलील होते हैं, होना भी चाहिए। और अब ये रास्ता बताता जाएगा, हम इसके पीछे पीछे जाते रहेंगे। और ये भाई यहाँ से रास्ता खोल, वाह वाह भाई बहुत आला ये जगह थी। और ये हम टनल में घुस चुके हैं, हमने गनमैन जो सस्ता रखा था वो हमारी गलती थी एक तरह, वैसे फ़ायदा भी उसका तो हिस्सा देना नहीं पड़ेगा, वो मारा गया क्योंकि हमने सस्ता वाला रखा था। ये देखो ये देखे जो मैं बात कर रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, ये मेरे साथ ये हरकतें हो रही थी, मुझसे खेला नहीं जा रहा था, जो भी कर रहा हूँ वो उल्टा उल्टा हो रहा था सारा, और माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा बंड मार दिया। मैंने इसकी एक वीडियो ज़रूर देखी थी इस मिशन की, जिसकी वजह से मुझे ये ज़रूर पता कि रास्ता इस तरफ है सीधे हाथ पे। तो हमने जो सस्ता ड्राइवर रखा था ना बाइक का, तो वो भाई वहीं पर रुक गए, बोला भाई मुझे तो रास्ता नहीं पता, राइट जाना लेफ्ट जाना, तो मैं उस हिसाब से चला गया इस तरफ बस अपने अंदाजे से, यहाँ से मुझे कन्फर्म नहीं था तो मैंने उसको आने दिया। और अब मैं इसके वापसी इसके पीछे जाऊंगा क्योंकि ये सस्ता है बेचारा, बट बेकार नहीं, पैसे दे रहे हैं फजूल थोड़ी है, पैसा दिया है हमने इसको। और कितनी लंबी टनल है माशाल्लाह, ख़त्म ही नहीं होके दे रही। और अब मेरी राइडिंग थोड़ी थोड़ी सही होने लगी क्योंकि नर्वसनेस ऑब्वियसली शुरुआत में बहुत ज़्यादा होती है, और बंदा ज़्यादा ना भी खेले तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। टनल ख़त्म हो जा भाई, और और, और 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 अभी भी रहती है, लेट्स सी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि लैम्बोर्गिनी वगैरह उस तरह का कोई मॉड जो मैंने एक नेट पे देखा भी है, दो तीन में और ढूंढ रहा हूँ, मिल गया ज़रूर कोई अच्छा सा तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा और वीडियो में दिखाऊँगा कि क्या मॉड है क्या गाड़ी है। और अब हमें एग्जिट मिल चुका है टनल का, अब हमने शिफ्ट किया माइकल पे क्योंकि रेडियो पे उसने बताया हमारे हैकर ने कि भाई पुलिस वाले आ गए हैं यहीं पे, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें पता है तुम लोग यहाँ से निकलोगे, और ये निकलो बेटे। अब माइकल बन के हम मारेंगे पुलिस वालों को अपने वैन से, अपने जो ट्रक है इससे ठीक ठाक इस्तेमाल करेंगे। निकल पहली फुर्सत में बेटे, आप भी निकलो। और ये बाइक वाले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, ये पार्टी से बहुत ज़्यादा भाई कोई इज्जत ही नहीं पुलिस की इधर, तो ठीक ठाक इन्हें तो मैंने गन से ही मार दिया। और ये निकला बेटे, वापसी अंदर जाओ। और ये वापसी हमने रूट शिफ्ट कर लिया, पता नहीं ये लोग चाहते क्या हैं आगे की तरफ। और माइकल अभी यही पूछ रहा है कि भाई दो क्यों हैं, तुम लोग गए तो तीन थे, दो होकर क्यों आए वापसी। ये बोल रहा है मुझे अच्छा गनमैन रख लेना चाहिए था, तुमने ये क्या हरकत कर दी, दिमाग ख़राब है। अब हम यहाँ पे अपना ट्रक पार्क करेंगे और अपनी बाइकों को अंदर डलवाएंगे ताकि आगे हम थोड़ा सा छुप छुप कर जा सकें। और हम अब इसके बाद जाएंगे लेस्टर के पास, जहाँ पे जाके हमारी हाई स्टोर की फिनिश सी, वो कितना दूर है मैं देख लेता हूँ ज़रा। अब हम जा रहे हैं लेस्टर की जानब। अगर आपको नहीं पता, लेस्टर हमारा है मास्टरमाइंड हमारे ग्रुप का, जो तीन बंदों का ग्रुप है, माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन, और चौथा इनका लेस्टर, मतलब लेस्टर के अलग अलग मिशन आते रहते हैं इसमें, और वो मास्टरमाइंड है, हर तरह की प्लानिंग वो करता है, हैक करता है, पुलिस छुड़ानी उसको कॉल कर दो वो छुड़वा देता है, ये सारे मामले वो संभाल देता है। अब ये हम पहुँच गए, काफ़ी ज़्यादा दूर तो नहीं था, करीब ही था,
हम पहुंच गए, हमारी यहाँ पे हो जाएगी हाइस्ट कंप्लीट। लेट्स सी, हाँ यहाँ पे हमें अपना ट्रक पार्क करना होगा और अब हो गई हमारी हाइस्ट कंप्लीट। अभी लिखा हुआ जाएगा लेट्स सी, हम पहुंच गए बाहर आ गए पार्क करके। और ओके 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 लोड हो रहा है हाइस्ट और क्वेश्चन हाइस्ट पास। ओके द जेल स्टोर ड्रॉप। आज के लिए बस इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह GTA 5 पर ही आएगी बहुत ज़्यादा जल्द। मेरी कोशिश होगी जितना ज़्यादा जल्दी मैं वीडियो को पूरी तरीके से रेडी करके आप लोगों की पेश कर सकूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कोई गलती हो गई हो या कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह मैं वीडियो में कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर उसे अप्लाई करूँगा और उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दूंगा नेक्स्ट वीडियो से। सो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।